बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद माहम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह शुक्र है खैरियत से हूँ। और बच्चों का स्कूल बंद हो गया है, अब आप देख रहे हैं कि फिर कोरोना का जोर चल पड़ा है। तो प्लीज़ अपने घरों में रहिए और एहतियात कीजिए और सेफ रहिए। आज मैंने बनाई है मटन कढ़ाई, बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। तो ये मैंने लिया था 1.5 किलो मटन था और एक प्याली मैंने घी की ली है, ऑयल ले लें घी ले लें, और इसमें मैंने डाला है मटन डाल के। तो इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी मैं, ताकि इसके अंदर से स्मेल निकल जाए। और साथ में इसके अंदर डालूंगी मैं अदरक। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, आप कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, और लहसुन का पेस्ट डालेंगे ताकि जो इसकी जो स्मेल आती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसकी स्मेल नहीं आएगी। फिर ये देखिए जी, मैंने डालना है इसके अंदर अदरक, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी। और आप इसको लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, आप अलग से अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा लहसुन का पेस्ट, और अब इसको फ्राई करूंगी थोड़ा सा। फ्राई करने के बाद ताकि गोश्त भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए और ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर थोड़ा सा जज्ब हो जाए, और ये ज़रा बड़ा ख़ूबसूरत सा इसका यानी कि वो आ जाएगा, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आएगा। अब मैं इसमें मैंने ऑनियन शामिल कर रही हूँ, 3 मैंने ऑनियन लिए थे मीडियम साइज़ के। और अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर, 2 टमाटर, और ये नमक मिर्च मसाले हैं, कुटवी मिर्च है, साबुत धनिया है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, चुटकी अजवाइन है, और गरम मसाला है। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। एक मसाला है जो हम बाद में शामिल करेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए जी, मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 1.5 गिलास इसमें मैं पानी डालूंगी, डाल के इसको मैं कुकर लगा देंगे हम। मैक्सिमम 15 मिनट के लिए कुकर लगाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, फिर उसको हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए जी, डन डन डन, कुकर लग गया। अब इसको 15 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया। ये रहा जी दही, और ये रहा शान का कढ़ाई मसाला। बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा है इसका, और मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किए हैं, मैं वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का, सबसे डिफरेंट है ना। इतनी ज़्यादा खुशबू है, बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े का टेस्ट है। एक बार ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा। उसको अच्छी तरह मिक्स करके दही में, उधर मैंने उसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया, और अच्छी तरह से उसको भून रही हूँ मैं, क्योंकि घी हम पहले शामिल कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके, दही के अंदर लम्स ना रहे। हाँ जी, तो अब इसके अंदर मैं इसको डालूँगी गोश्त के अंदर। और आप सब बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए जी, बहुत बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत कलर है। इसके अंदर डालते हैं हम दही, दही डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, चीज़ ज़ाया ना कीजिएगा। हाँ जी, ये देखें, बड़ी मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बड़ी कलरफुल, बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से मैंने दही को भून लिया। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसको दम पे रखना है। दम पे रखने के लिए थोड़ा सा, ये देखें, ये पानी है लहसुन का, ये लहसुन का पानी था, तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें लहसुन का था और थोड़ा सा लहसुन का पानी था। इससे भी टेस्ट बहुत यूनिक होता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। ये लहसुन का पानी है, जो लहसुन मैंने ग्राइंड किया था डालने के लिए, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा बढ़ा लिया था। ये देखिए, हरी मिर्चें हैं, और अदरक है, लाइमन है, और कुटी हुई काली मिर्च है। कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी मैं, और उसको रखेंगे हम दम पे। ये देखें जी, काली मिर्च डाल दी मैंने, अब हम रखेंगे इसको दम पे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, आप अपने हिसाब से मसाले एडजस्ट कर लीजिएगा।
मैंने अपने हिसाब से डाले। ये देखिए जी, अब हम इसको रखेंगे बिल्कुल स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।